हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बनाते हैं मसूर दाल का तड़का। फ्रेश मसूर दाल लिए हैं। अब इसको एक बाउल में पानी में डाल देते हैं 6 से 8 घंटे के लिए। 6 से 8 घंटा हो चुका है, दाल हमारा फूल चुका है, इसको छान लिए हैं, धो लिए हैं। अब चलते हैं प्रेशर कुकर, चूल्हे के तरफ प्रेशर कुकर रखे हैं, उसमें डालते हैं दाल। दाल को डाल देते हैं और इसमें डालते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक। नमक डालने के बाद कुकर को करते हैं बंद और इसको सीटी आने तक इंतज़ार करते हैं। जब तक हमारा कुकर में सीटी आ रहा है, देखिए सीटी बन लग चुका है, दाल रेडी हो गया है। चलते हैं तड़के की तरफ। कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल, आप कोई भी तेल में बना सकते हैं। तेज़पत्ता, जीरा, लाल मिर्च, गार्लिक, हरी मिर्च, अब इसमें डालते हैं कटा हुआ प्याज। और कटा हुआ प्याज डालने के बाद इसको चला लेते हैं अच्छी तरह से चला लेते हैं। चलाने के बाद हम इसको थोड़ा सा डाल देंगे नमक, ताकि हमारा जो है प्याज है अच्छी तरह से गल जाए। इसमें डालते हैं टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब डालते हैं मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इन सबको अच्छी तरह से चला लेते हैं। अच्छी तरह से चला लिए, नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। नमक ध्यान रहे, नमक पहले भी डाल चुके हैं, इसीलिए नमक थोड़ा ही डाले हैं। अब इसमें डालते हैं, मसाला पक चुका है, इसमें डालते हैं उबले हुए दाल। दाल को डाल दिए, अब इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब इसको चला लिए और उबाल आने तक इसका इंतज़ार करते हैं। ढक देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है, देखिए दाल में उबाल आ चुका है। अब चूल्हे को करेंगे ऑफ। चटपटा टेस्टी हमारा दाल बन चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।